नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी इस शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी दशा अंतरदशा की सीरीज चल रही है, उसी के कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंट दशाओं में या अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में फल किस तरीके से प्राप्त होते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन के लिए। सारी प्रेडिक्शन इसी के ऊपर बेस करती है, दशा के ऊपर ही बेस करती है। तो चलिए देखते हैं हम प्रेजेंटेशन और बताता हूं मैं आपको सारी चीजें। हाँ, ये पार्ट हमारा रह गया था। तो इस पार्ट में एक चीज ये है कि कई बार क्या होता है, कुंडली में अगर आप अपनी कुंडली को देखें तो एक ही ग्रह कुंडली के अंदर आपका त्रिकोण का स्वामी भी होता है और केंद्र का स्वामी भी होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली के अंदर ये सिंह लगन की कुंडली है, इसमें अगर आप देखें तो एक नंबर ये त्रिकोण कहलाता है, जिसमें ये मंगल की राशि है यहाँ पे, और ये केंद्र की राशि, केंद्र है चौथा नंबर। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं, 5 और 9 दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल त्रिकोण का स्वामी भी है और मंगल केंद्र का स्वामी भी है। इस तरीके से अगर कोई ग्रह किसी की कुंडली में हो तो वो पूर्ण योगकारी ग्रह कहलाता है। जो केंद्र और कोण दोनों का स्वामी हो उसको पूर्ण योगकारी ग्रह कहते हैं। हर कुंडली में ये पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं होते, योगकारक ग्रह तो होते हैं लेकिन पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं होते, लेकिन मिलते हैं फिर भी। जैसे कर्क के अंदर सिंह लग्न वालों के लिए मंगल, कर्क राशि के अंदर भी ये मंगल आ जाएगा, कुंभ राशि, मकर राशि, शुक्र वृष राशि, तुला लग्न वालों के लिए शनि इसमें बन जाता है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी अगर कोई ग्रह बन गया तो पूर्ण योगकारी ग्रह हो गया और उसकी दशा जो होती है वो हमेशा भाग्य में, भाग्य को उदय करने वाली होती है। वो दशा हमेशा बहुत अनुकूल दशा होती है। जब भी उसकी दशा आएगी हमेशा भाग्य उदय होगा, ये आप देखिएगा अगर पूर्ण योगकारी ग्रह की दशा या अंतर दशा आती है। दूसरी चीज ये है कि जिस ग्रह की दशा हो, अब हम लोग चंद्रमा से गोचर बहुत पढ़ते हैं क्योंकि हमने सुना है चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा से जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर देखने की बहुत प्रथा है और बताया भी गया है शास्त्रों में कि चंद्रमा से ही गोचर देखना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी का मन मस्तिष्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चंद्रमा से गोचर देखें। लेकिन लग्न से गोचर देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी रिजल्ट कुंडली में आपको मिलने हैं वो आपके शरीर को मिलने हैं, वो आपको स्वयं मिलने हैं। तो लग्न से गोचर भी अच्छा हो और चंद्रमा से गोचर भी अच्छा हो तो आपको अच्छा मिलेगा और आपको शांति के साथ मिलेगा, आपको खुशी होगी। लेकिन अगर लग्न से गोचर अच्छा है तो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन चंद्रमा से गोचर अगर अच्छा नहीं है तो आपको खुशी नहीं होगी। जैसे कि आपका प्रमोशन हो गया लेकिन साथ में आपको ट्रांसफर करके कहीं नॉर्थ ईस्ट भेज दिया या किसी ऐसी जगह भेज दिया जहां थोड़ा रिमोट लोकेशन है और आप जाना नहीं चाहते, तो ये भी होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लग्न से गोचर बहुत अच्छा है लेकिन चंद्रमा से गोचर गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि गोचर लग्न से भी देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं। तो लग्न से गोचर देखने की ये विधा है कि जिस ग्रह की दशा हो अगर वो गोचर में, लग्न से या लग्न में, ये ध्यान रखिए, लग्न में हो या लग्न से तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में आवे, तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें भाव में, यानी उपचय भाव में आए, तो वो दशा उसकी शुभ जाती है। कोई भी ग्रह, कोई भी दशानाथ या कोई भी अंतर दशानाथ जिसकी दशा है वह अगर लग्न में हो और लग्न से तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें भाव में हो, इनमें से किसी भाव में हो, तो उसकी दशा शुभ जाएगी। इवन अगर वो लग्न से सप्तम भाव में भी जा रहा है तो भी उसकी दशा शुभ कहलाएगी। यानी लग्न 3, 6, 7, 10, 11 में अगर ग्रह जाएगा तो दशा उसकी शुभ जाएगी। इसके अलावा ये है कि बाई चांस अगर दशानाथ का कोई मित्र है, जैसे मंगल मालिया दशानाथ है, मंगल मालिया अंतर दशानाथ है, उसका मित्र यानी बृहस्पति अगर हम लगा लेते हैं, वो गोचर में लग्न में जा रहा हो तो भी शुभ फल प्राप्त आपको हो जाएंगे। जिस ग्रह की दशा हो, जिस ग्रह की महादशा हो या जिस ग्रह की अंतर दशा हो, उसका मित्र गोचर में यदि लग्न में जा रहा हो, लग्न में जा रहा हो, तो उस वो ग्रह दशा भी आपकी
अच्छी जाती है। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके निकलते हैं। दूसरा, जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा जा रही है, उसको आपको ये देखना है कि वह गोचर वर्ष जन्मकालीन चंद्रमा से किस स्थान पर है। आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना गोचर इंपॉर्टेंट लग्न से देखना है, उतना ही गोचर इंपॉर्टेंट चंद्रमा से देखना भी होता है। तो चंद्रमा से गोचर देखने के लिए, क्या देखेंगे कि चंद्रमा से अगर गोचर जन्मकालीन चंद्रमा, यानी जहां आपकी D1 कुंडली में, आपके कुंडली में जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, उस राशि को लग्न बना लीजिए। उस राशि को लग्न बना के देखिए कि इस उस चंद्रमा से, जो जन्मकालीन चंद्रमा से दशानाथ किस किस भाव में गोचर कर रहा है। यानी अगर दशानाथ मंगल है तो आप क्या करिए कि अपनी कुंडली के चंद्रमा जहां आपका बैठा है उस भाव को लग्न बनाइए, फिर आप देखिए कि दशानाथ किस किस भाव से गोचर कर रहा है। तो उसके लिए ये बताया गया है कि अगर वो उत्तम भावों से या उत्तम स्थानों से गोचर करेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और अनिष्ट स्थानों से गोचर करेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो उत्तम कैसे डिसाइड करें या अनिष्ट कैसे डिसाइड करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उत्तम डिसाइड करने का तरीका ऑलरेडी शास्त्रों में दिया हुआ है कि जन्मकालीन चंद्रमा से, जहां पे जिस राशि में चंद्रमा हो, उससे सूर्य तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में अच्छा फल देता है। अगर सूर्य की महादशा हो या सूर्य की अंतरदशा हो, तो जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा तो अच्छा फल देगा। इसी प्रकार जन्मकालीन चंद्रमा से स्वयं चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में अच्छा फल करेगा। इसी प्रकार जन्मकालीन चंद्रमा से मंगल, अगर मंगल की दशा है, तो वो उस जन्मकालीन चंद्रमा से आप तीसरा, छठा और ग्यारहवां भाव गिनेंगे तो वहां पे मंगल जब जाएगा तो अच्छा फल करेगा। बुध के लिए जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें, ग्यारहवें भाव में अच्छे फल मिलेंगे। बृहस्पति के फल जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, ग्यारहवें भाव में मिलेंगे। मैं आपको जन्मकालीन चंद्रमा बोल रहा हूं, तो जिस भी कुंडली में आपकी, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो, काइंडली उसको लग्न बना लीजिए, फिर वहां से चेक कीजिए कि आपका जो दशानाथ है या आपका अंतरदशानाथ है, गोचर में कौन से भाव में जा रहा है। तो शुक्र देखिए फिर आप कि शुक्र किस गोचर में जा रहा है। तो अब ये इसका देखने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं कि आप आज की डेट की गोचर कुंडली ले सकते हैं, और चंद्रमा जिस राशि में जन्म के समय आपका था, उस राशि को लग्न बना लीजिए, बाकी ग्रह वैसे ही बैठे रहने दीजिए। फिर वहां से चेक कर लीजिए कि बृहस्पति कौन से भाव में है, सूर्य कौन से भाव में है, चंद्रमा कौन से भाव में है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका गोचर शुभ चल रहा है या अशुभ चल रहा है। जैसे जन्मकालीन चंद्रमा से शनि 3, 6, 11 भावों में अच्छा होता है, इसी प्रकार जन्मकालीन चंद्रमा से राहु 3, 6, 10, 11 और केतु भी 3, 6, 10, 11 भावों में अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य, राहु और केतु ये जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 भावों में अच्छे होते हैं। शनि और मंगल ये 3, 11 भावों में अच्छे होते हैं, और इसके अलावा आप बाकी चीजों को ध्यान कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे कि हर भाव में, हर ग्रह के गोचर में 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11वें में गोचर हमेशा अच्छा माना गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो यानी 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 11वें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से सदैव गोचर में ग्रह शुभ होता है। इसके बाद अब आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि चाहे कोई भी ग्रह हो, भले ही वो नीच राशि या शत्रु राशि में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो अस्त ही क्यों ना हो, यदि वे उत्तम भाव और उत्तम नवांश में हो, तो उसकी दशा का फल मिश्र फल होता है, मिला जुला फल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ग्रह है, मान लिया मंगल है, वो कर्क राशि में बैठा है, नीच का बैठा है, या शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या सूर्य के साथ बैठा है और अस्त हो गया है, लेकिन लेकिन यदि वो त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, और नवांश के अंदर भी वो त्रिकोण में या केंद्र में बैठा है, तो उसका फल बुरा नहीं मिलेगा, उसका फल
ठीक है कि बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो शत्रु राशि में है, अस्त है, या वो नीच राशि में बैठा हुआ था, बट उसके बावजूद भी उत्तम नवांश में या उत्तम भाव में बैठने से उसके फल में जो कमी आ गई थी उसमें भी कमी आ जाएगी, यानी आपको फल उतना बुरा नहीं मिलेगा, और या ये कह सकते हैं कभी अच्छा या कभी बुरा फल आपको दशा के अंदर मिलेगा। इसी प्रकार चंद्रमा का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चंद्रमा जब गोचर वर्ष नीचे लिखे किसी स्थान पर होता है तो शुभ फल दिखाता है, यानी दशानाथ के मित्र घर में चंद्रमा हो तो शुभ फल दिखाएगा। अब मान लीजिए दशानाथ वो अगर बुध है, सपोज कीजिए, तो बुध के मित्र के घर में अगर चंद्रमा जा रहा हो तो जैसे अब यहां देखिए आप इस कुंडली के अंदर चंद्रमा प्रथम भाव में चंद्रमा है, प्रथम भाव में चंद्रमा है, लेकिन ये क्या है, ये मंगल की राशि है, तो क्या बुध का मित्र है? नहीं, तो इस भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं होगा। फिर दूसरा भाव देखिए, दूसरे भाव में शुक्र की राशि है, यानी चंद्रमा यहाँ पे मित्र राशि से गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा होगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे मित्र राशि से गोचर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा अगर दशानाथ का जिसकी भी दशा चल रही है उसकी मित्र राशि से गोचर कर रहा हो, या उसकी अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहा हो, या उच्च राशि से गोचर कर रहा हो, तो उसको फल अच्छे मिलते हैं, चंद्रमा शुभ फल देता है। इसके अलावा दशानाथ जिस राशि में है, यानी दशानाथ जिस राशि में है, शायद ये नियम मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये रिपीट हो गया है प्रेजेंटेशन के अंदर, उससे तीसरे पांचवे छठे सातवें नौवें दसवें और ग्यारहवें भाव में भी अच्छा फल चंद्रमा करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी ग्रह की दशा हो तो ये देख लीजिए कि चंद्रमा उस ग्रह से किस भाव में गोचर कर रहा है। अगर वो उसके मित्र के घर में कर रहा है, उसकी अपनी राशि में कर रहा है, उसकी उच्च राशि में कर रहा है, तो वो फल हमेशा अच्छा देगा। और यदि वो तीसरे पांचवें छठे सातवें नवें दसवें घर में भी गोचर कर रहा है जिस राशि में दशानाथ है उस राशि से, तो भी वो अच्छे फल देगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली है। ये शायद मैं आपको इधर तक ही बताऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं स्टार्ट करूंगा वो वैवाहिक जीवन के ऊपर होगी कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैसा होगा, कैसे देखें विवाह के बारे में, कैसे डाइवोर्स के बारे में देखें, वो सब चीजें मैं आपको विद एग्जाम्पल भी बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और किसी प्रकार से भी आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।